स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल टेक्निकल सीखे में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह आप एक डिस्को लाइट या एक डीजे लाइट को किस तरह ठीक कर सकते हैं या रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब इसे मैं पावर ऑन करता हूँ तो ये शुरुआती के 5 सेकेंड्स सही चलता है, फिर उसके बाद इसमें कुछ कुछ होने लगता है। आप यहाँ देख सकते हैं इसे क्या हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, इसे कैसे ठीक करना है, तो आज मैं आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो सबसे पहले पहला स्टेप यही होगा दोस्तों कि आप मोटर की तार को खोल के ऑन करें। अगर तब भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो आप अपने सर्किट में देखें कि वहाँ पर कोई रजिस्टर या कुछ भी जला हुआ तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप सेम मेरे केस में आ चुके हैं, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है। तो देखते हैं इसे कैसे रिपेयर करें। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आप यहाँ देख, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, मैं पावर ऑन किया हुआ हूँ और अब ये कुछ नहीं हो रहा। तो इसका प्रॉब्लम है इसका एलईडी। जी हाँ दोस्तों, एलईडी है इसका प्रॉब्लम। आपका एलईडी ख़राब हो चुका है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये इतने सारे एलईडी है। तो आपको चेक करना होगा सभी एलईडीज़ को कि कौन सा ख़राब है और कौन सा ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सर्किट में आप बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ मैंने पूरा सोल्डरिंग कर दिया है और इसे अच्छे से चेक भी कर लिया है, ये अच्छे से काम कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ये दो लाइट हैं जो मैंने इससे निकाला था, ये ब्लू नहीं है, ये रेड और शायद ग्रीन है। तो ये दोनों लाइट ही मेन था जो ख़राब हो गया था इसमें, जिसकी वजह से हमारा सर्किट अच्छे से पावर नहीं दे पा रहा था ब्लू को। ये दोनों ख़राब होने की वजह से हमारे सर्किट ब्लू को पावर नहीं मिल रहा था, इसलिए वो ग्लो नहीं कर रहा था। तो मैंने क्या किया है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं यहाँ मैंने वही एलईडी लाइट मैंने इसमें दो लगा दिए हैं, एक रेड है और एक, ये दो रेड है बेसिकली, नहीं ये रेड है और ये ग्रीन है, और ये है मल्टी कलर, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा लाइट थी नहीं तो मैंने एक मल्टी कलर भी लगा दिया है जो रेड और ब्लू करता है। और यकीन माने दोस्तों बहुत ही गजब का बना है और लाइटिंग बहुत ही अच्छी आती है इसमें, मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली मैं आपको फिर से बता देता हूं कि अगर आपका इस तरह जैसा मेरा प्रॉब्लम था सेम टू सेम हो, तो आपको सर्किट से कुछ नहीं करना है, आपका मेन दिक्कत है एलईडी, क्योंकि ये बहुत दिन से यूज़ हो रहे होते हैं तो एलईडीज़ में दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ मैंने बेसिकली क्या किया मैं आपको फिर से बताता हूँ, यहाँ मैंने इस कनेक्शन कैसे किया है। तो इसे मैंने उसी तरह कर दिया है जैसे पहले था, इसे कुछ छूछा नहीं करना है। मैंने ये दोनों में से एलईडीज़ निकाली, यहाँ भी मैंने सीरीज़ में कनेक्शन किया, ये दोनों सीरीज़ में दोस्तों ध्यान रखिएगा। बट ये जो है मैंने यहाँ दो लाइट लगाए, इसे मैंने पैरेलल में किया हुआ है, नहीं दोस्तों सॉरी फॉर दैट। तो ये दोनों सीरीज़ में है, ये और ये सीरीज़ में दोस्तों, और ये दोनों भी सीरीज़ में है। इसे पैरेलल नहीं करना है क्योंकि करंट ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाएगा और फिर ये दोनों बल्ब भी ख़राब हो सकता है, इसलिए आपको करना बस ये है कि यहाँ मैंने आपको इसका रेजिस्टेंस देख के लगाना है दोस्तों। तो अगर मैं इसे डायरेक्ट इसमें भी सीरीज़ में लगा देता तो शायद ये बल्ब मेरा ख़राब हो जाता और कुछ देर भी तो दोस्तों मैंने यहाँ क्या किया देख सकते हैं, ये दोनों इसे मैंने छूछा नहीं किया, मैंने डायरेक्ट ये और ये दोनों निकाल दिया है बाहर, और इसके बाद मैंने यहाँ एक लाइट लगाया, यहाँ इसे सेम इसी तरह मैंने सोल्डिंग कर दिया, यहाँ देख सकते हैं ऐसे करके भी। ये वही लाइट है दोस्तों जो आपको लाइट
एलईडी लाइट्स में झालर में देखने को मिलती है, वही लाइट्स मैंने लगाया है इसमें। और यहाँ मैंने दो लाइट लगाया क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बना रहे और ज़्यादा फ्लो नहीं करे करंट, जिसकी वजह से ये हमारा ख़राब हो जाए ये एलईडीज़, इसलिए मैंने यहाँ दो लगाया है। वैसे भी मैंने सीरीज़ में लगाया जिससे पावर सब में इक्वल ही मिल जाए। आप एक से ज़्यादा लगा सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं, तीन भी लगा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप में रेजिस्टेंस, आपके लाइट में कितना रेजिस्टेंस है। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस हो तो आप कम लगाए, अगर कम रेजिस्टेंस के बल्ब हैं आपके पास तो आप ज़्यादा एलईडीज लगाएं, ठीक है। तो दोस्तों बहुत हो गई बात, अब आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ इसे। तो यहाँ मैं देख सकते हैं सर्किट वही है दोस्तों, एक बार ये ख़राब हो गया था मेरा तो मैंने इसे चेंज किया था, बाकी वही है, देख सकते हैं वही सर्किट है। तो मोटर भी घूम रहा है दोस्तों, तो देख रहे हैं अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे से जल रहा है दोस्तों, तो ये मोटर भी रोटेट कर रहा है। तो इसका दोस्तों आपको समझ में आएगा नहीं तो मैं आपको लाइट बंद करके भी दिखाऊँगा, आप देख सकते हैं इस तरह। तो चलिए लाइट बंद करके आपको दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लाइट बंद कर दिया है और अब यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको सीलिंग पे दिखाता हूँ कितना मस्त इफ़ेक्ट आ रहा है। तो दोस्तों आपने देखा ये बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है जैसे आप पहले भी करता था, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे कि ये कितने दिन तक चलेगा। तो दोस्तों इसकी गारंटी तो मैं नहीं देता हूँ, लेकिन अगर आप चेक कर सकते हैं, अगर आपका बल्ब ज़्यादा गर्म हो रहा है तो आप एक और एलईडी उसमें लगा सकते हैं। मेरे केस में ऐसा नहीं हो रहा तो मैं अब इसे बंद करके पैक कर देता हूँ, ठीक है। एक और बात दोस्तों, अगर आपको इसे पूरी तरह ठीक करना है तो आप मार्केट से एक नया एलईडी ला सकते हैं और इसमें लगा सकते हैं, तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, आपके पहले एकदम न्यू बन जाएगा दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।